हे गाइज, वेलकम हो गया आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। सुबह सुबह नाश्ता कर लिया मैंने, तुरंत की सब्जी और रोटी और चाय। अब मैं जाऊंगा नीचे वाले घर और मैं आया हूँ बाड़ खोलने। ये है गेट हमारा, इसको खोलने आया हूँ। और नीचे वाले घर काफ़ी टाइम से नहीं गया हूँ, तो इसलिए जाया जा रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, जाना जरूरी, हाल चाल पूछना जरूरी है, फ़ोन पर मज़ा नहीं आता, इसलिए जा रहे हैं। और अब चलते हैं गाड़ी के पास, अपनी धनों निकालते हैं और चलते हैं नीचे वाले घर पर। मौसम काफ़ी मस्त हो रखा है, धूप भी आ रही है साइड से हल्की हल्की, और कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं, तो चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। नीनू आ रहा है तेरे को? नीनू छोड़ जा, नीनू आ रहा है, नीनू आ रहा है, आजा इधर, आजा आजा आजा। किसका पोता है तू? किसका पोता है? किसका पोता है? नहीं बोलना इसको, कुछ नहीं बोलना है। एक साल में लोग इंजीनियर बन जाते, तुमने बोलना नहीं सीखा। चाचा देखो, हमारी अपनी नातनी से कितना प्यार करते हैं। देखो पैर में चोट लगी है, फिर भी नातनी को पीठ में लगा के घुमा रहे हैं, सो जाए करके, पर नातनी नहीं सो रही भाई चाचा की। और हेम काम कर रही है, और गोविंद यहाँ हमारे साथ थोड़ा सा गपशप लड़ा रहा है। ये देखो, ये है केचुआ भैया, ये जरूरी है, आप लोगों को दिखाते हैं हम स्पष्ट तरीके से, बंसी के लिए बहुत जरूरी है। ये देखो, इसको बोलते केचुआ, ये मिट्टी को खा पी के थोड़ा अच्छा बना देता है, भुरभुरी मिट्टी बना देता है, जिससे उपजाऊ हो जाती है। अब देखो जंगल में उपजाऊ होने के चक्कर से कितने सारे, देखो हरियाली छाई पड़ी है। और ये देखो, ये बहुत सारे बिंदिए हैं, ये देखो बहुत सारे बिंदिए, पन्नी में डाल ले, फिर इनको कांटे में लगेगा ऐसे, जैसे लगा रहे हमारे बिरजू भाई, ये देखो कांटे में ऐसे लगेगा। और उसके बाद इधर पानी है, आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखो पानी है, और इस पानी में ये कांटे लगेंगे बहुत सारे, फिर जाके मच्छी बाहर निकलेगी। ये देखो चिड़िया, देखो कितनी प्यारी उड़ रही है, देखो ये देखो, ये देखो दिख रही है आप लोगों को कितनी मस्त सी, और इतने सारे कांटे हैं देखो, ये देखो कांटों का बाजार। चलते हमारे भाई लोग मच्छी पकड़ने के लिए पानी के अंदर। देखो यहाँ, देखो शेर ने जंगली हमला भी कर रखा है, मतलब जानवर खा रखे हैं, जंगली हमला, ये देखो इस तरह से। और ये लोग चले गए पानी के अंदर, ये देखो लगाने भी लग गए, ये देखो ऐसे डाल लें, पूरा पानी पानी है, और कांटे लगा रहे हैं इसमें, फिर मच्छी फंस जाएगी इसमें, फिर शाम को तरकारी बन जाएगी मच्छी की, चावल के साथ वो लपेटा बनेगा इसका कि बगल वाला खुशबू सुन के ही खुश हो जाएगा। और भाई लोग पीछे देख भी रहे हैं कि वीडियो में बोल क्या रहा है हमारा भाई, इतना मजा खाने में आए ना आए, वीडियो में जरूर आएगा। और ये बहादुर भाई हमारे, बहादुर भाई आए करो भैया, देखो मच्छी मारने के यहाँ चार आदमी बुलाए हूँ, तीन आदमी को बल्छी लगा रहे हैं, नरेंद्र भाई यहाँ बीड़ी खरीदे हैं, तो मच्छी अभी दो घंटे के अंदर हमको एक दो क्विंटल मच्छी मिलेगा यहाँ पर, हम शाम को यहाँ बनाएंगे। बस पानी बहुत गंदा पानी यहाँ पर मच्छी में, इसी तालाब में मच्छी आती है यहाँ पर, यहाँ पर पेड़ पौधे लग रहे हैं, यहाँ पर वह भूल भी यहाँ पर है, वह टावर भी वहाँ पर है, कुछ लोग वहाँ पर दिख रहे हैं बग्गा कॉलोनी के, और वहाँ पर लोग आते थे। अरे उधर को मज्जा, बल्छी लगी है, कांटा लग जाएगा पैर में यार, ये हमारे बहादुर भाई कांटा लगा रहे हैं। और ये देखो ये फंसी, ये देखो ये, अरे भाई टूट गया इसमें यार, तोड़ दिया यार, अच्छी दूसरी लगा। ये हमारे बहादुर भाई कैसा हो रहा है, फिर अनुभव कैसा है? मच्छी मिलेगी मुझे अभी, हट यार टूट रहा है बिजला, मैं डालूंगा देख मच्छी की, ये बड़ा मच्छी मिल मिल जाए, इमेज बन जाएगा शिकार यार। अरे ऐसे तो मच्छी को मार दिया, बिचवा मच्छी का ऊपर को दिखा आपने शकल, टिकिंदर पुरान तेरा भी आएगा गुए, इन भाई से कांटा लगाया नहीं हो रहा है तो मच्छी नहीं मरेगी शायद, आज हमको खाली आती जाना पड़ेगा। ये देखो भाई गरई फंस गई, गरई मच्छी भी जिंदा मरी है, काटती भी यहाँ जहर होता है इसमें, तीन दिन तक आदमी को नशा रहता है, एक थैली के बराबर नशा होता है इसके दांत में। मर गई या जिंदी है? जिंदी है यार, कल वो खाली हुई है, नहीं निकल पाएगा फिर ये बल्छी, निकल जाएगा
अरे यार मच्छी इसके अंदर, ये तो छोटी मच्छी है यार। मेरी इसका भी माल भी मिला यार, दो माल से मिला तो कितने माल मिला भाई। बल्छी लगाया वहाँ, बल्छी लगा मैंने यार, मतलब मैं तगड़ा माल मिला इसमें तगड़ा वाला। गरे ये तो सौरा है जी, सौरा हुआ ये, एक एक दो दो किलो होते हैं जी। मेरे को तो गरे लग रही है, बच्चा है उसका। तो कितना लाया सौरा का बच्चा? दो लिया है भैया, दो ढाई, छोटा बच्चा लिया है ढाई। अच्छा चल, चारा खाली तो नहीं हुआ, ढाई आया। ज्यादा किरे मच्छी बीच में नहीं है किनारे। ये है लाल चींटी, जब काटती है ना तो दिमाग की सिनपट्टी उड़ा देते हैं। चलो चलो, ये देखो आप लोगों को दिख रही होगी, देखो ऊपर को चल रही है। देखो लाल मिट्टी, काली मिट्टी यार ना, ये देखो बहुत काटती है भाई, बहुत तगड़ा काटती है। ये देखो ये है लाल चींटी। तो गाइज मैं अभी पानी के अंदर गया था, तो इनकी माँ जो है छुप गई है, और ये छोटे छोटे देखो बैक्टीरिया टाइप के जो घूम रही है, मच्छी के बच्चे हैं। और ये कम से कम एक मच्छी मतलब 1000 बच्चे तक दे देती है। देखो कितने सारे बच्चे आप लोगों को दिख रहे होंगे, बहुत झुंड में पूरे छोटे छोटे, ऐसा लग रहा है कि जैसे धूल के कण ऐसे दिख रहे हैं आप लोगों को। और ये इतने छोटे हैं, बहुत छोटे, ये गेहूं के दाने के बराबर होंगे मुश्किल से, उससे भी छोटे जो हैं ये, तो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा। ये है भाई बच्ची, मच्छी मच्छी मर गई, जिंदी है देखो, ये देखो यार ऐसे माल मिले ना। ये देखो ये है मच्छी, करीबन 100 ग्राम का है। पानी में जाके धोऊंगा भी नहीं इसको, धोऊंगा तो कहीं छूट गई फिर गाली करेगा हमारा वो भाई जो उधर पकड़ आया वो गाली देगा। ये देखो बिरजू भाई, जैसे मिल जाए 10.5 को तो मजा दी होगा। इसने फड़फड़ाती है जो भी है। पानी लाओ, पानी डालो, पहले साफ करो इसको, तो चमकेगी ना हल्का वाला पानी। वहाँ धोके लाता तो तेरी माँ क्यों फिर गंदी हो गई। पानी डाल देती है यार, ऐसे मार ये देखो भाई, वो तो गिर के लिए पकड़ ले से, मतलब छोटा तरल। हाँ इस मारे ये अंडा छोड़ दे ना छोड़ो। देखो ये है माछी, ग्रही मछली, इस पे केस होगा, केस ही होगा, इसको सीधे खून मर्डर हो जाएगा इसका, रात शाम को फ्राई हो जाएगी। तो एक घंटा हो गया अभी तक, इतनी मच्छी मार रखे हैं, ज़्यादा मच्छी नहीं है, कम से कम आधा किलो भी नहीं होंगी ये, तो अभी इतने ही मरे हुए हैं। गाइज हमारा टाइम हो गया घर जाने का, और मच्छी अच्छी तो मार ली जितनी मारनी थी। और हमारे हमारे गप्पू भाई देखो सुरती खा रहे हैं, सुरती दिखा छुपा रहा है देखो। और यहाँ मच्छी काफ़ी सारी मर गई है, और अब हम चलेंगे घर की ओर, क्योंकि हमारा टाइम हो गया घर जाने का। और देखो कितना बड़ा तालाब है, दिखाते पीछे, ये देखो पूरा तालाब है। तो हम आए हैं यहाँ गुज्जर के, यहाँ पर गुज्जर का घर, तो यहाँ से चलते हैं। और थोड़े से आगे जो साल के पेड़ दिख रहे हैं वो यूपी है, और जहाँ हमने अभी पैर रखे हुए हैं ये उत्तराखंड है। तो यहाँ से अभी चलते हैं, टाइम हो गया काफ़ी, 2:30 बज गए हैं, तो यहाँ से निकलते हैं अब। गाइस मैंने भात खाया, भट्टे की दाल और भात, काफ़ी मस्त हो रहा था। अब मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और हमारा टाइम हो गया, शाम के 5 बजे जाते हैं हम लोग, और हल्की हल्की धूप आ रही, मौसम सुहाना नहीं है, हवा चल रही। पर मैं फील्ड में पहुँच गया हूँ, और मैच खेलने के लिए फील्डिंग भी लग गया, और अभी हम चार ही हैं, ये देखो 2-4 बच्चे और हम लोग। अभी ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, तो अभी सब लोग आएंगे फिर टीम बन जाएगी। अभी सिंगल सिंगल खेल रहे हैं 2-2 ओवर का। तो गए जब भी मैं घर पहुंच गया हूँ क्रिकेट खेल के, तो आप खाना आना खाऊंगा, तुरंत की सब्जी बनी हुई है और रोटी, तो उसके बाद रेस्ट करूंगा। इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज का ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ा मन नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का, क्योंकि डेली घर ही हूँ यार, कहीं जा नहीं पा रहा इसलिए। तो कोशिश करूँगा कहीं जाऊँ करके, पर पता नहीं आजकल मन क्यों नहीं हो रहा बाहर जाने का। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।